गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9 कंप्यूटर सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की दुनिया में क्या क्या चेंजेस आए बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर एंड बेस्ड ऑन अ हार्डवेयर, ये हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट जनरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन हार्डवेयर। हार्डवेयर के हिसाब से हमने उसका डिफरेंट डिफरेंट 5 जनरेशन देख लिया था, जिसमें वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, सर्किट के बारे में हमने पढ़ा था, माइक्रोचिप के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये सब हमने जनरेशन टू जनरेशन क्या क्या हार्डवेयर यूज हुए वो सब हमने देख लिया था। अब आज टूडे वी लर्न इन स्टैंडर्ड 9 कंप्यूटर सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 2 अवर टॉपिक इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसमें हमने फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन पढ़ लिया था, पर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर, उसमें सबसे पहले क्या था, तो सबसे पहले आता था मशीन लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, मैं फर्स्ट JEL लिखती हूँ, जनरेशन फर्स्ट से आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, मशीन लैंग्वेज। इन मशीन लैंग्वेज द कोड इज 0 and 1 बाइनरी कोड। कौन से कोड थे, बाइनरी कोड। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्वे अ मैसेज, पास ऑन द मैसेज एंड प्रोसेसर। ठीक है, मैसेज पास करना बहुत डिफिकल्ट था, पर्टिकुलर टाइम में मैसेज पास करना था, और प्रोसेसर को भी उसको कन्वर्ट करने में मतलब उसको समझने में टाइम लगता था। देयर आर लॉट्स ऑफ एफर्ट्स रिक्वायर्ड, प्रोसेसर बिकम स्लो, एंड लॉट्स ऑफ कमांड, लॉट्स ऑफ मशीन लैंग्वेज आर यूज टू पास ऑन द मैसेज। ठीक है, तो ये कैसे था, स्लो भी था, बहुत कुछ उसमें याद भी रखना था, और प्रोसेसर में भी ज्यादा टाइम लगता था, क्योंकि वो प्रॉपर मैसेज प्रॉपर इंस्ट्रक्शन पढ़ेगा तो काम करेगा ना, तो ये सब दिक्कत आता था। तो क्या हुआ इन सेकंड जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, द मशीन लैंग्वेज और अ बाइनरी कोड, बाइनरी लैंग्वेज। क्लियर है इतना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व द प्रोग्राम और अ प्रोसेस। टू अवॉइड दिस डिफिकल्टी वर्किंग विद द मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड। सेकंड लैंग्वेज में कौन सी आई, सेकंड जनरेशन में कौन सा आया, असेंबली लैंग्वेज। अब इन असेंबली लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज में क्या यूज होता था, सिंबल्स। क्या यूज होता था, सिंबल्स, 0 और 1 की जगह, मतलब बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी कोड की जगह। ठीक है, यहाँ आप बाइनरी लैंग्वेज भी कर सकते हो, बाइनरी कोड भी बोल सकते हो, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज की जगह आप क्या आने लगे, सिंबल्स, मतलब कुछ फंक्शंस देने हैं, कुछ काम लेना है, तो उसके ऊपर हमें क्या देना पड़ेगा, सिंबल्स देने पड़ेंगे। इन असेंबली लैंग्वेज देर आर यूज सम डिफिकल्ट सिंबल्स, इट्स कॉल्ड निमोनिक्स। क्या हुआ, सिंबल्स और साइंस यूज होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, निमोनिक्स, निमोनिक्स। अब उसमें याद रखना है आपको, एम साइलेंट है बट इट्स कॉल्ड निमोनिक्स। ठीक है, निमोनिक्स कोड और सिंबल्स आपको देने पड़ते थे। इट इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज और अ निमोनिक्स लैंग्वेज, सिंबल कोड या फिर निमोनिक्स कोड। ठीक है, ये हुआ सेकंड जनरेशन। अब सिंबल्स भी इतने याद रखने थोड़े डिफिकल्ट है, जनरली हम मैसेज कैसे पास ऑन करते हैं, किसी को अगर कुछ कहना है या फिर किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन देने हैं, कुछ नोटिस देना है, तो हम क्या करते हैं, हमारा रीजनल लैंग्वेज यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर गुजराती है तो गुजराती में बात करेंगे, हिंदी है तो हिंदी में, इंग्लिश है तो इंग्लिश में, एनी हाउ लैंग्वेज वी कैन यूज टू कन्वे अवर मैसेज और अ कन्वर्सेशन। ठीक है, कन्वर्सेशन के लिए हम कोई भी एक लैंग्वेज यूज करते हैं।
तो अब क्या हुआ, सिंबॉलिक लैंग्वेज भी चलो ठीक है कि भाई आ जाता है, पर सबको आना डिफिकल्ट है। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज जो है मशीन लैंग्वेज, उसमें 01 का कोड, इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी कंफ्यूजिंग। तो क्या होता है अब, और उसमें थोड़े चेंजेस आए, टू अवॉइड मशीन लैंग्वेज, टू अवॉइड निमोनिक्स कोड, द थर्ड जनरेशन इज लाइक अ इंग्लिश लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन यूज्ड लाइक, लाइक मतलब उसके जैसा, नॉट टू, ठीक है, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। थोड़े थोड़े सेंटेंस लिखने शुरू हो गए, मतलब कमांड पासाउन करने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सिंपल सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज शुरू हो गई थी। लाइक अ इंग्लिश लैंग्वेज द कंप्यूटर इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, इससे क्या हुआ, कंप्यूटर इजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मिल गई है, वो समझने लगा है, तो इसलिए उसका काम कैसे हो गया, इजी, इजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। सो इंग्लिश लैंग्वेज इन थर्ड जनरेशन स्टार्टिंग अबाउट द हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था, हाई लेवल लैंग्वेज की शुरुआत हो गई थी। द कंप्यूटर कैन ट्रेन इट टू ट्रांसलेट द मशीन लैंग्वेज। ठीक है, अब क्या हुआ था, उसको हम क्या करते थे, ट्रांसलेट करते थे, किसमें, ट्रांसलेट इंग्लिश टू मशीन लैंग्वेज। इसमें ट्रांसफर होता है, कन्वर्ट इंग्लिश टू मशीन लैंग्वेज। फॉर दिस यूज्ड इनबिल्ट ट्रांसलेटर प्रोग्राम, ट्रांसलेटर प्रोग्राम, इट्स कॉल्ड इंटरप्रिटर और कंपाइलर। ठीक है, जैसे कि मैं इंग्लिश में बोलती हूँ तो उसके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर, गुजराती में ट्रांसलेट करने के लिए मुझे कुछ बीच में ट्रांसलेटर चाहिए, कन्वर्सेशन के लिए कुछ चाहिए। जैसे कि हम मोबाइल में भी लैंग्वेज सेटिंग में जाते हैं तो हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं, अभी तो गुजराती में भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो लैंग्वेज सेटिंग कर सकते हैं। तो उसी तरह से इन थर्ड जनरेशन द इंग्लिश लैंग्वेज इज स्टार्ट टू गिव अ इंस्ट्रक्शन, इट इज वेरी इजी एंड इजी टू सॉल्व प्रॉब्लम। इंग्लिश लैंग्वेज इज अ ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज। सो कन्वर्ट ह्यूमन लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, वी कैन यूज ट्रांसलेटर, इनबिल्ट ट्रांसलेटर, इंग्लिश टू मशीन लैंग्वेज कन्वर्जन, इट्स कॉल्ड ट्रांसलेटर। ठीक है, द सम प्रोग्राम कन्वर्ट दिस मैसेज इंग्लिश टू मशीन लैंग्वेज, पास ऑन दिस मैसेज इंग्लिश टू मशीन लैंग्वेज, दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड इंटरप्रिटर और अ कंपाइलर। क्या कहेंगे हम उसको, इंटरप्रिटर या कंपाइलर, क्लियर है इतना। थर्ड जनरेशन डिजाइनेड एज अ लैंग्वेज टू कन्वर्ट इंग्लिश टू मशीन लैंग्वेज, सो इट्स कॉल्ड हायर लेवल लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन को क्या बोल सकते हैं हम, हायर लेवल लैंग्वेज। ठीक है, थर्ड जनरेशन में क्या आ गया था, हायर लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, बाइनरी लैंग्वेज, सेकंड में असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, जिसको हम निमोनिक्स कोड भी बोल सकते हैं। थर्ड जनरेशन में आता है हाई लेवल लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन में क्या आता है, हाई लेवल लैंग्वेज, क्लियर है इतना। अब थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज आ गया, तो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ऑल्सो स्टार्ट लाइक सी, कोबोल एंड जावा। ठीक है, प्रोग्रामिंग की शुरुआत हो गई थी जावा, सी और कोबोल, ये सारे प्रोग्रामिंग के नाम है।
ठीक है, ये सारे प्रोग्रामिंग के नाम है, जैसे आपने वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पढ़ते हैं ना, उसी तरह से ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, इसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, यहां तक हमने किया था, फिर भी एक बार मैंने रिवीजन ले लिया। अब हम चाहते हैं फोर्थ जनरेशन में After high level language, the third generation evolution is now known as the fourth generation. The programming effort is fully started. Fourth generation. Programming efforts are fully started. मतलब programming की शुरुआत हो गई थी, जो अब हम अभी यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ऐसे कुछ भी सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं, या फिर गेम के रिगार्डिंग जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, उसकी शुरुआत हो गई थी। इट मीन्स कि सॉफ्टवेयर बनाने की फुल्ली स्टार्टिंग हो गई थी, क्योंकि थर्ड जनरेशन में हमें लैंग्वेज मिल गई थी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, जावा, कोबोल और सी। तो वो हायर लेवल लैंग्वेज का यूज करके फोर्थ जनरेशन में प्रोग्रामिंग की फुल्ली शुरुआत हो गई थी। In fourth generation, programming language reduced to programming effort, just specify what to do instead how to do. ठीक है, what to do instead how to do. मतलब अभी हमारे पास एक ऐसा मैसेज आ गया था कि क्या करना है, नहीं कैसे करना है। ठीक है, मैं आपको बोलूं कि हमें मार्क्स लाने हैं, आपके पास असाइनमेंट आ गया है, तो मार्क्स कैसे लाने हैं, कैसे लाएंगे, वो नहीं लाने ही है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो सारे इंस्ट्रूमेंट, वो सारा मटेरियल आ गया है जिसको हम रीड करके लर्न करके मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल दूं कि क्या करना है वो मुझे पता नहीं है। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, पढ़ना है, वो मुझे पता नहीं है, पर मैं आपको टाइम टेबल दे दूं तो आपको पता चल जाएगा कि आज इतने सब्जेक्ट ही लेने हैं। तो इसका मतलब है क्या करना है, नहीं कैसे करना है, वो हमें हमारे पास आ गया, क्योंकि लैंग्वेज आ गई थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई थी। तो अब हमें सिर्फ क्या सोचना है, हाउ टू डू, कैसे करेंगे, किससे करेंगे, ऐसा नहीं व्हाट टू डू, नहीं क्या करेंगे, नहीं हाउ टू डू, कैसे ही करेंगे हम। ठीक है, क्लियर है इतना। In fourth generation, programming language reduced to programming effort by just specifying what to do instead of how to do. Clear hai itna? In fourth generation, structured query language is an example of programming language. ठीक है? SQL full form याद रखना है, structured query language. देखिए, अब क्वेरी का मतलब क्या है, क्वेरी मतलब क्वेश्चंस। हमारे पास कोई भी डेटा है, उसके ऊपर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। फॉर एग्जांपल कि आई हैव अ 60 स्टूडेंट लिस्ट, आई वांट अ रोल नंबर 1 to 50, आई वांट अ स्टूडेंट हु गेट अ फर्स्ट रैंक। ठीक है, मुझे सिर्फ फर्स्ट रैंक के ही स्टूडेंट चाहिए, तो मेरे पास जो बल्क ऑफ डेटा है उसमें से मैं पर्टिकुलरली लेना चाहती हूँ, तो ऐसे क्वेश्चंस है। ठीक है, मेरे पास डिवीजन ए और डिवीजन बी दोनों है, तो आई वांट ओनली डिवीजन ए स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट। तो ऐसे मेरे पास क्वेश्चन थे, तो वो क्वेश्चन रिगार्डिंग काम करने का सॉफ्टवेयर भी आ गया, वो क्या था, एसक्यूएल, जिसको बोलेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड
क्वेरी लैंग्वेज इज स्टार्ट इन फोर्थ जनरेशन. While the fourth generation programming language are designed to quick develop application, ठीक है, इससे क्या हुआ, quick develop application की शुरुआत हो गई. Quick develop application जो हम आज यूज करते हैं, ठीक है. For example, कि हमारे मोबाइल में क्या होता है, कॉन्टेक्ट लिस्ट होता है. तो जब नया नंबर आता है तो हम क्या करते हैं, क्रिएट न्यू में जाते हैं, फिर वो कंप्यूटर उसको मतलब सॉरी मोबाइल उसको स्टोर करके रखता है. तो वह क्या हुआ, तो वो पूरा डेटा हो गया. फिर जब हमें चाहिए तब वो सारे नंबर देता है, नहीं, हमें जो चाहिए वो नाम लिखते हैं या फिर पर्टिकुलर नंबर के दो तीन डिजिट लिखते हैं तो पूरा लिस्ट आ जाता है, ठीक है. हमारे पास दूसरा एक एग्जाम्पल देती हूँ, हमारे पास सारे सब्जेक्ट की बुक्स है पर मुझे क्या चाहिए, सिर्फ कंप्यूटर की बुक. तो आप कौन सी दोगे, कंप्यूटर की. तो कहने का मतलब है कि हमारे पास अब प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, वो सॉफ्टवेयर का यूज करके एक एसक्यूएल नया सॉफ्टवेयर भी आ गया है, लैंग्वेज आ गई है जिससे हम डेटा पे क्वेश्चंस कर सकते हैं कि ये सर्च करना है वो सर्च करना है. तो इससे क्या हुआ, तो क्विक डेवलपमेंट एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनने शुरू हो गए. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओपन ऑफिस, टैली, फिर आप क्या वो पढ़ते, गूगल, ठीक है. फिर आप कोई भी गेम खेलते हो वो सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका आप यूज करते हो. आप उसके ऊपर उसका बेस नहीं बनाते, आप सिर्फ उसका यूज करते हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन या ओवन, ठीक है. वॉशिंग मशीन में क्या होता है, तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ कपड़े धोने का काम कर सकते हो, ठीक है, कपड़े सुखाने का काम कर सकते हो. तो वो उसका पर्टिकुलर टास्क होगा कि ये काम उसको करना है. तो ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर बनना शुरू हो गए जो सबसे मेन रिवोल्यूशन कहलाता है. मतलब थर्ड जनरेशन सबसे मेन रिवोल्यूशन है जिससे हाई लेवल लैंग्वेज मिल गया था हमें और उसके तौर पे सॉफ्टवेयर बनना शुरू हो गए थे. फोर्थ जनरेशन में हमारे पास बेस बन गया था, इसलिए अब हम ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर बनाने लगे थे जिसमें हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेड किया जो था SQL. क्लियर है इतना. इन फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज आर डिजाइनेड टू मेक द कंप्यूटर सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम विद इट अ प्रोग्रामर, ठीक है. फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ, हमारे पास सब कुछ आ गया है तो हम क्या करते थे, प्रोग्रामिंग फास्ट करने लगे. एप्लीकेशन दैट रिक्वायर सच सपोर्ट इज फॉल्ट फाइंडिंग, वॉइस रिकॉग्निशन एंड इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन, ठीक है. अब क्या हुआ, फिफ्थ जनरेशन में प्रोग्रामिंग हमारे पास आ गया था परफेक्टली. फिफ्थ जनरेशन क्या करना है, कौन से सॉफ्टवेयर बनाने है, वो सब हो गए थे. पर अब अटैच वॉइस रिकॉग्निशन फाइंडिंग डिवाइस, जिसको हम बोलेंगे लोकेशन सर्च, ठीक है, और इजी एंड फास्ट प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर आर डेवलप. क्लियर है इतना, ठीक है. फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ, तो फिफ्थ जनरेशन में हम पहले माइक नहीं था, स्पीकर नहीं था, तो फिफ्थ जनरेशन में हमने क्या किया कि भाई कंप्यूटर के साथ हमने माइक भी अटैच कर दिया, स्पीकर भी अटैच कर दिया और हाँ प्रिंटर भी अटैच कर दिया, ठीक है. ऐसे एक्सटर्नल डिवाइस भी हमने अटैच कर दिए जिसके उसके रिगार्डिंग उसके सॉफ्टवेयर भी बनने लगे. तो फिफ्थ जनरेशन क्या है, जिसमें हम इजी और फास्ट काम कर सके, ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए, ठीक है.
इन अ फिफ्थ जनरेशन ऑल्सो इंक्लूड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक. ठीक है, कौन सा आया? आर्टिफिशियल AI, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टेक्निक. ठीक है, जैसे रोबोटिक्स फॉर एग्जाम्पल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल आई गिव यू रोबोटिक्स. ठीक है, रोबोटिक्स की शुरुआत फिफ्थ जनरेशन से हो गई थी. ठीक है, आप देख सकते हो मैंने आपका एग्जाम्पल दिया कि भाई वॉशिंग मशीन, तो आपकी जरूरत है एक बार कपड़े डाल दिए फिर अपने आप वो चलने लगता है, पानी हम स्टार्ट कर देते हैं, उसकी स्टार्ट बटन हम ऑन कर देते हैं तो वो अपने आप चलने लगता है, उसका काम शुरू हो जाता है. ठीक है, तो रोबोटिक्स की शुरुआत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की शुरुआत कौन से जनरेशन में हुई थी? फिफ्थ जनरेशन में. ह्यूमन लाइक लर्निंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम थ्रू टेक्निक. ठीक है, मशीन के जरिए वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा था. दिस कैरेक्टरिस्टिक हेल्प पुटिंग द IE आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी स्टेप बाय स्टेप अहेड एंड डेवलप मोर एंड मोर रोबोटिक्स. ठीक है, मोर एंड मोर रोबोटिक्स की शुरुआत हो गई थी जिससे काम इजी हो सके. क्लियर इतना? तो ये हुआ कंप्यूटर जनरेशन बेस्ड ऑन अ सॉफ्टवेयर. ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अब है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. हमारे पास हार्डवेयर आ गए हैं, सॉफ्टवेयर भी आ गए, तो सॉफ्टवेयर में कितने टाइप्स है वो देख लेते हैं. नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर कौन कौन से टाइप के हैं? ठीक है, तो सॉफ्टवेयर प्ले अ वर्टल रोल इन अ कंप्यूटर सिस्टम बाय क्रिएटिंग अ ब्रिज बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द कंप्यूटर यूजर. ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है? तो इज अ ब्रिज बिटवीन सिस्टम एंड यूजर. जो उसको यूज करता है उसके बीच क्या क्या है? ब्रिज है, मतलब यूजर कोई कमांड देता है उसके ऊपर कौन फंक्शन करता है? कंप्यूटर. पर कैसे करेगा? तो जब उसके अंदर सॉफ्टवेयर होगा तब. ठीक है, क्लियर है इतना? तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर क्या है बेसिकली? इट्स अ सेट ऑफ प्रोग्राम, इट्स अ सेट ऑफ प्रोग्राम टू डू पर्टिक्यूलर टास्क थ्रू सिस्टम. ठीक है, कंप्यूटर के सिस्टम के थ्रू वो पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करता है, वो क्या है? सॉफ्टवेयर. इन सॉफ्टवेयर इंक्लूड हार्डवेयर ऑल्सो. ठीक है, हार्डवेयर को एक्टिव बनाने का काम भी कौन करता है? सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ गिवन टास्क. ठीक है, कुछ भी काम करने के लिए जो पर्टिकुलर ऑर्डर में काम करता है, हमारा काम होता है, तो वो क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर. वी हैव सीन द सम कंपोनेंट बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर लाइक द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग. ठीक है, अब प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग क्या है और प्रोग्रामर क्या है वो टर्मिनोलॉजी हम देख लेते हैं. पहले आता है प्रोग्रामिंग, नहीं पहले लेते हैं प्रोग्राम. तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन,
वो क्या कहलाएगा? प्रोग्राम। फिर आता है प्रोग्रामिंग। फिर क्या आता है? प्रोग्रामिंग। तो गिव कमांड और इंस्ट्रक्शन थ्रू या फिर यूज सच अ लैंग्वेज, सच अ लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर को हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड देते हैं, तो उसके लिए जो पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज हो जाती है वो क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो क्या है? प्रोग्रामिंग। क्या है? प्रोग्रामिंग। क्लियर है इतना? एंड द इंडिविजुअल हु परफॉर्म दिस टास्क इज कॉल्ड प्रोग्रामर। ठीक है, जो इसको कंप्लीट करता है, जो ये काम करता है, वो क्या कहलाएगा? प्रोग्रामर। डू दिस टास्क, कौन सा टास्क? प्रोग्रामिंग का। कौन सा टास्क? प्रोग्रामिंग का। प्रोग्रामिंग का टास्क जो बनाता है वो है क्या है? प्रोग्रामर। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है? तो कलेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अ पर्टिकुलर लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। हु डू दिस जॉब, हु डू दिस टास्क इज कॉल्ड प्रोग्रामर। क्लियर है? इतने तीन टर्म्स क्लियर है आपको? ठीक है, आगे चलते हैं। There are two major type of software, system software and application software. ठीक है, यहां तक वीडियो रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। क्लियर है यहां तक सबको?